हेलो व्यूअर्स, एरिनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर बनाएंगे, वो भी जैन तरीके से, यानी कि बिना प्याज लहसुन और अदरक के। आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी में सिर्फ पनीर को मिक्स कर दिया और कोई भी पंजाबी सब्जी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की ये कढ़ाई पनीर की सब्जी बाकी की पंजाबी सब्जी से एकदम अलग है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे और उस मसाले से आप कभी भी ये कढ़ाई पनीर घर पे बना सकते हैं। तो बाकी की पनीर की रेसिपी में और इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। कढ़ाई पनीर के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए लेंगे 1/3 कप साबुत धनिया, 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ लेनी है, 2 से 3 लौंग डाल देंगे, 3 से 4 हरी इलायची और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, 1.5 बड़ा चम्मच जीरा और 3 से 4 लाल मिर्च डालेंगे सूखी। अब इन सारे सूखे मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे भूनना है। ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भूने और इसकी स्मेल आने लगे फिर फ्लेम को बंद कर देना है। आज के इस मसाले से कम आप 3 बार कढ़ाई पनीर 4 लोगों के लिए घर पर बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाले ठंडे होने पे इसे एक मिक्सी जार में ले लेंगे और इसे दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना। देखिए, वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके का दरदरा पाउडर तैयार करना है। ये जो दरदरापन है मसाले का, वही कढ़ाई पनीर की खासियत है और उसी से सब्जी में टेस्ट और फ्लेवर अच्छे आएंगे। कढ़ाई पनीर में वेजिस को सौते करने के लिए पहले 1 बड़ा चम्मच घी गरम रखेंगे। इसमें 1 बड़ा वाला कैप्सिकम इस तरीके से बड़े क्यूब में कट करके डालना है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हिलाते हुए सौते करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसमें 200 ग्राम पनीर इस तरीके से बड़े से क्यूब में कट करके डाल देंगे। इसे भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। कंटिन्यू इस तरीके से बीच बीच में हिलाते रहना है। 2 बड़ी साइज के टमाटर भी बीच में से सारे सीड्स निकाल के इस तरीके से कट करके डालने हैं बड़े बड़े। अब इसमें थोड़ा सा 2 पिंच जितना नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हमने जो कढ़ाई मसाला तैयार किया है वो थोड़ा सा डाल देंगे, 1 चम्मच जितना। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरीके से हिलाते हुए इसे पकाना है। थोड़ा सा कच्चा पक्का रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। क्या आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी चैनल पे मैं नई रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, इस तरीके से पनीर पक जाए, अब फ्लेम को बंद कर देना है। आज हम कढ़ाई पनीर को इस तरीके की लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। हो सके तो आप भी यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो फिर कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच घी गरम रखना है। घी गरम हो जाए अब इसमें 1 छोटा चम्मच शाही जीरा डालेंगे। शाही जीरा नहीं है तो नॉर्मल डालिए। 1/2 कप यानी 100 ग्राम जितनी चॉप की हुई कैबेट डाल देंगे। हम बिना प्याज के ये सब्जी बना रहे हैं तो इसमें इसलिए कैबेट डाली है कि जो बाहर की कढ़ाई पनीर है ऐसा ही टेक्स्चर आए। इसे मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से हिलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। 1/2 कप चॉप किए हुए कैप्सिकम डाले हैं, 1 बड़ा वाला कैप्सिकम। इसे भी 2 मिनट के लिए हिलाते हुए सौते करेंगे। वीडियो में जैसे दिखाया है वैसे एकदम छोटा छोटा चॉप करके डालना है। 2 मिनट सब्जियों को सौते करने के बाद अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसे मिक्स करके वापस से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें 1/2 बड़ा चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आप नॉर्मल वाली तीखी मिर्च डाल रहे हैं तो थोड़ी कम डालिए। अब जो हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया था वो 2 से 3 बड़े चम्मच जितने डाल देंगे। इसको भी इसमें अच्छे से पकाना है। मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाले सब्जियों में अच्छे से लग जाए 2 से 3 मिनट बाद इस तरीके से घी छूटने लगे और अच्छे से सब्जियाँ भी पक गई हो, उसके बाद टोमेटो की प्योरी डालेंगे। मीडियम साइज़ के 5 से 6 टमाटर की यहाँ पे प्योरी करके ली है। आप चाहे तो टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर प्योरी करके डालेंगे तो सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाएगी, जबकि चॉप किए हुए टमाटर को पकने में थोड़ी देर लगेगी।
अब इसे ढक के स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 10 से 12 मिनट के बाद चेक करेंगे, इसमें घी अच्छे से छूट गया है। पाव भाजी मैशर से इसे एक बार इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसमें अच्छे से एक बाइंडिंग लाने के लिए 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, हो सके तो बेसन सिका हुआ लीजिए। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप जितना गर्म पानी यानी कि उबला हुआ पानी डालना है। उबला हुआ गर्म पानी डालने से यहाँ पे इसकी कुकिंग प्रोसीजर है वो रुकेगी नहीं और सब्जी एकदम अच्छे से पक जाएगी। 1 बड़ा चम्मच कढ़ाई पनीर का मसाला डाल देंगे इसमें। फिर से इसे ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 7 मिनट के बाद चेक करेंगे, देखिए घी छूट गया है और ग्रेवी भी हमारी तैयार है। अब इसमें लास्ट में कसूरी मेथी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और घर की फ्रेश मलाई 2 बड़े चम्मच डालनी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैप्सिकम टमाटर और पनीर डाल देंगे इसमें। अब इसे हल्के हाथों से ग्रेवी में मिक्स करेंगे ताकि पनीर टूटे नहीं। पनीर कैप्सिकम और टमाटर को इसमें मिक्स करते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें हरा धनिया डालेंगे और उसको भी अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। बोला था ना कि बाकी की पनीर की रेसिपी से एकदम अलग है। बिना कोई प्याज लहसुन और अदरक के भी ये कढ़ाई पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। सिर्फ एक बार ये मसाला तैयार करके रख दिया आपने, फिर भी तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। पनीर की इस सब्जी को रोटी, नान, पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। पनीर की सब्जी की कोई भी रेसिपी शायद ही इतनी आसान होगी, तो इस आसान की रेसिपी को एक बार तो घर पे ट्राई करना बनता है ना। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।